तो भाई पचमढ़ी में पहुंच गए हैं, और वैसे तो कल परसों ही पहुंच गए थे, मगर ये साइन जो है मुझे अभी दिखा, तो अभी इसके सामने वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ से जाने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम। अभी तो हमारा बी फॉल हो गया था, उसका वीडियो बनाया था आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, और अभी जो नेक्स्ट पॉइंट पर जाने वाले हैं उसके लिए चलते हैं, मगर वहाँ जाने के पहले लंच करना है, तो लंच के लिए चलते हैं पहले रेस्टोरेंट। रिचगढ़ करके गुफाएं है, तो यहाँ पे आया है एंट्री के जस्ट इसके पहले पैरासेलिंग का एक पॉइंट था। वहाँ पे और कुछ नहीं, बस पैरासेलिंग ही होता है, तो अगर आपको करना है तो 600 रुपये पर हेड के हिसाब से रेट है, बट एक साथ दो लोगों को जाना पड़ता है, मतलब 1200 रुपये लगेंगे आपको। तो अभी यहाँ पे गुफाओं में जा रहे हैं, कम से कम आधा किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, तो आधा किलोमीटर का। यार एक तो ये शेप बहुत ही गंदा हो गया है हाइट का, ठीक है, आधा किलोमीटर पूरा तो वीडियो नहीं बनाऊंगा, वहाँ गुफाओं में जाके देखते हैं। तो अभी गाइड ने बताया कि ये जो रिचगढ़ की गुफा है इसे रिज कहा गया था पहले, क्योंकि ये दो पहाड़ एक दूसरे के पास मिलते हैं, जिसकी वजह से इसे कहा जाता है रिज। बट यहाँ पे बहुत सारे भालू मिलते थे, जिसकी वजह से लोकल ट्राइब्स ने यहाँ पर इसको कहना शुरू किया रिच। तो इसे ऐसी गुफा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडा एक फीलिंग आ रहा है। तो यहाँ पर एक गुफा है, यहाँ पे बाहर जाएंगे पहले इस साइड से, तो यहाँ पे संभाल के आना पड़ेगा, बूढ़े लोग तो आ नहीं पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा इस तरह का कुछ है। आ जाओ, आ गए यहाँ पे। यार ये देखो कुछ ऐसा है, तो ये गुफा के एंड में पहुंच गया है, और ये एंड का लाइन है, यहाँ से पीछे में पूरा का पूरा जंगल है, तो ये यहाँ पे जाना अलाउड नहीं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा कि जंगली जानवर अभी भी है। तो अभी हम जाएंगे वापस, और जो गुफा देखे थे पहले वहाँ से राइट लेंगे, और वहाँ से फिर हम एग्ज़िट करेंगे।
वज्र ने देखी क्या गुफा? गुफा ने देखी। ये क्या है? अरे ये देखना, साइंस में ये गार गुटी। आप में गए क्या? गए क्या? नहीं, उतर नहीं जा रही। चलो एंट्री करो। जगह नहीं है? अरे सर बचा के देख के नीचे। वही यहाँ पर है कंजेस्टेड साहब। अरे बाप रे। अबे हो निकल गया, निकले पेड़ के नीचे से। हाँ और धूप ही धूप, बहुत धूप। तो भाई निकल गए रिजगढ़ गुफा से। अभी इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? जा रहे हैं धूपगढ़, और उसके पहले भव्य दृश्य। और कौन सा दृश्य था वो? आसन्न दृश्य। तो ये दो दृश्य है जो रास्ते में पड़ेंगे। तो धूपगढ़ यहाँ से 1-7 किलोमीटर कुछ है। चलो चलो। यहाँ पे कहाँ पे है अपन? भव्य दृश्य आ गया इधर। हाँ एक मिनट ना, खड़े होके देख लो ना तुम। तो यार भव्य दृश्य। ओए सही, ओए सही यार। अबे यार ये ज़्यादा कापन पे है यार। सही में वो क्या मस्त लग रहा है रो। कुछ नहीं, आखिरी पॉइंट है, सामने भी एक पॉइंट है, बाद में हो गया। 2 घंटा वहीं पे बैठना है। चलो चलो मत कर तू। अभी धूपगढ़ में है, और धूप पीछे से आ रही है। तो धूपगढ़ में है, वो साइड में वेस्ट साइड है, तो सनसेट पॉइंट है वो। यहाँ से जाने के बाद देखेंगे। अभी यहाँ पर एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है ये अभी देखते हैं। ये जो रेलिंग लगा हुआ है, इस वाले साइड से सनराइज होता है मॉर्निंग में, तो सबसे पहला सनलाइट इसी माउंटेन पर पड़ता है, इसलिए इसका नाम दिया हुआ है धूपगढ़। अच्छा। पहले राष्ट्रपति आए थे पंचमढ़ी, उस टाइम पर नामकरण हुआ था। पहले के समय में इसको श्री हरवत्स कोट के नाम से जाना जाता था, इस पहाड़ी को। तो MP छत्तीसगढ़ के अंदर में सबसे टॉप पॉइंट कहलाता है। एक ही माउंटेन पर सनराइज और सनसेट दोनों दिखता है यहाँ से। धूपगढ़ का जो सनराइज पॉइंट है वो अभी बंद कर दिया है, क्योंकि जो फॉरेस्ट के रूल्स है उसके हिसाब से मॉर्निंग में 5 बजे किसी को आने नहीं देते ये साइड में। इस वजह से सनराइज पॉइंट बंद हो गया है। एक ही पहाड़ी से सनराइज और सनसेट दोनों दिख जाता है। तो उस साइड में, इस साइड में हमने देखे अभी सनराइज पॉइंट था, जहाँ का व्यू हमने देखे। अभी वेस्ट साइड में जा रहे हैं। यहाँ पर एक म्यूज़ियम है, तो यहाँ पर पहले म्यूज़ियम का थोड़ा सा लुक देखेंगे, उसमें क्या क्या है, और उसके बाद सनसेट पॉइंट के लिए निकलेंगे। तो ये धूपगढ़ म्यूजियम है, एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे धूपगढ़ सनसेट पॉइंट के लिए निकलेगा ये रास्ता। धूपगढ़ सूर्यास्त पॉइंट, तो सनसेट पॉइंट पे आ गए हैं। और यहाँ से और थोड़ा नीचे उतरना है, सीढ़ियाँ नीचे जा रही है। तो अरे भैजा कहाँ घूम रहा तू? अरे भैजा कहाँ घूम रहा है?
तो अभी यहाँ पर सनसेट पॉइंट पर हूँ और यहाँ पे इस समय में इतनी ज़्यादा ठंडी है। अभी आज फरवरी का मंथ है और ये 4400 मीटर की हाइट पर हम हैं फिलहाल, तो इतना ज़्यादा ठंड है जिसकी वजह से मुझे ये लगाना पड़ा। बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि अगर आप ये सब प्रिकॉशंस के साथ नहीं आओगे तबीयत तो ख़राब होनी ही है। अभी यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा लोग आए हैं क्योंकि धूपगढ़ का जो सनसेट पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो फिर ठीक है, चलो सनसेट आपको दिखाता हूँ। ऐसा लग रहा है कि वो कहीं पे पानी है और पानी में डूब रहा है ना, समुद्र तो चल रहा था। मस्त यार, हो गया सनसेट। सनसेट इसके लिए एक डेढ़ दो घंटे से बैठे एवडा कभी वाट नहीं पाली मैं सूर्य जी सनसेट वहां साठी एग्जिट कर रहे हैं। चलो चलो चलो, सनसेट हो गया, अभी घर जाना है। चलो चलो चलो। तो ठंडी बहुत बढ़ गई और सनसेट भी हो गया और सभी लोग अभी अपने अपने घर जा रहे, तो हम भी अभी निकलते हैं। ठीक है, निकलो निकलो, चलो चलो कर।